यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो है यहाँ पे तुमको लिविंग प्लांट मिलेगा। तो दीज आर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग हर्बेरिया। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग हर्बेरिया। यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया से लिया जाता है। क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया से लिया जाता है। और जो बॉटनिकल गार्डन में जाओगे तो फिर वही सेम लेबलिंग देखेंगे हम लोग। वर्नाकुलर नेम साइंटिफिक नेम फैमिली तो इंडिया का दो बॉटनिकल गार्डन का नाम बताना चाहूंगी मैं। ठीक है ना, यूजेस एक तो आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमिक एट उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए तो यूज होता है। प्लस सपोज किसी साइंटिस्ट को रिसर्च करना है किसी प्लांट के बारे में, उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वो रास्ते से कोई भी प्लांट से बोलेगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बॉटनिकल गार्डन से लेंगे। तो रॉ मटेरियल रिसर्च पर्पस। ठीक है, प्लस कंजर्वेशन वरना कूलर नेम के नीचे क्या लिखा है आपने? साइंटिफिक नेम SC साइंटिफिक नेम है ना पल्लवी? कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब यहाँ से तुम लोग का नीट में जो क्वेश्चन बचता है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। पूछते हैं कि बॉटनिकल गार्डन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन, क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बोलोगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन, एन सी टू मतलब नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म कंजर्व होते हैं, जैसे फॉरेस्ट ले लो, तो फॉरेस्ट में क्या नेचुरल कंजर्वेशन है? वो तो तुमने प्लांट नहीं किया वो ट्री को, तो वो इन सीटू हो गए। एक्स सी टू माने जो आर्टिफिशियली तुम प्लांट कर रहे हो, आर्टिफिशियल इन द सेंस तुमने एक गार्डन बनाया, वहाँ पे तुमने प्लांट किया, तो चाहे बॉटनिकल गार्डन ले लो चाहे वो जूलॉजिकल पार्क ले लो, दोनों ही हमारा कैटेगरी वाइज एक्स सी टू कंजर्वेशन होगा। ले रहे बच्चों? देखो इतना क्लियर है, बॉटनिकल गार्डन क्लियर है। एक काम करती हूँ, मैंने शायद कल टैक्सोनॉमिक एड में बॉटनिकल गार्डन नहीं लिखाया था। हाँ देखो मुझे याद था, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब बॉटनिकल ये होगा, गार्डन इट्स नॉट क्लियर। यस टेल मी हेलो, अब तो क्लियर आना चाहिए। बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? बॉटनिकल गार्डन भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ये हो गया बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का म्यूजियम। थोड़ा ऊपर करिए ना। एक सेकंड कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लोगी ना? यस देखो मैम। स्टार्टिंग से करती हूँ। कलेक्शन, म्यूजियम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। गया हो तुम लोग कोई म्यूजियम या फिर कोई जूलॉजिकल बॉटनिकल? सब भुवनेश्वर में तो है मुझे पता है, म्यूजियम बॉटनिकल गए गार्डन जूलॉजिकल गार्डन भुवनेश्वर में है, एक नंदन कैनन बोलते हैं ना, सोची थी मैं जाने का बट हो नहीं पाया, गई थी जब मैं भुवनेश्वर। तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, प्रिजर्व है जैसे कि बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डन में क्या वो प्रिजर्व नहीं है, यहाँ पे प्रिजर्व है, ठीक है ना, तो क्या क्या प्रिजर्व करके रखते हैं थोड़ा सा देखते हैं। प्रिजर्वेशन जार्स एंड
कंटेनर्स, इसमें रखते हैं ना प्रिजर्व करके, जार्स में रखते हैं, कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है। इसमें देते हैं क्या, अल्कोहल, उसके साथ ऐड करते हैं फॉर्मेलिन, ये ऐड करते हैं। अब इंसेक्ट रखना है तो इंसेक्ट को कैसे रखेंगे, इंसेक्ट को मार देते हैं एक्चुअली प्रिजर्व करने के लिए, ये जो मरा हुआ होगा किल लेंगे, उसको फिर ड्राई किया जाता है, ड्राइड, फिर उसको क्या करते हैं पिंड करके रख देंगे, है ना। कभी कभी इंसेक्ट का बोन को भी रखा जाता है, स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, लार्ज एनिमल्स वो भी प्रिजर्व करते हैं, उनको स्टफ्ड करेंगे और फिर उनको प्रिजर्व करेंगे। ये हो गया म्यूजियम, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं म्यूजियम को, एग्जाम्पल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, स्लाइड ऊपर कीजिए ना। कर रही हूँ एक मिनट, दिल्ली, नेक्स्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब किसका सिग्निफिकेंस बोलो तो, ये म्यूजियम का सिग्निफिकेंस, पहला तो सारे प्लांट और एनिमल का तुमको कलेक्शन मिलेगा, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे तुम उन प्लांट को प्रिजर्व करके रख सकते हो जो तुम हर्बेरियम में नहीं रख सकते हो, प्लांट्स दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन हर्बेरियम। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को भी रखा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। अब यहाँ पे क्या किया जाता है पता है, वो सारे कंडीशंस, एक मिनट होल्ड करना, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोवाइडेड विथ कंडीशंस, कैसे कंडीशन तुम दोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट।
मैं लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क वर्ल्ड में जो है मैं उसका नाम लिख रही हूँ, क्रूगर साउथ अफ्रीका में है। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है वर्ल्ड का। अब ये जो मैंने कहा प्रोवाइडेड विद कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, इसका मतलब क्या है? जहाँ पे कैमल रहता है, अगर कभी जूलॉजिकल पार्क गई हो तो वहाँ पे देखना, जहाँ पे कैमल रहता है वहाँ पे नीचे पूरा सैंड देते हैं वो लोग, ताकि वो लोग को ऐसा लगे कि वो लोग डिजर्ट एरिया में है। जहाँ पे मंकीज रहते हैं वहाँ पे ट्रीज का ब्रांचेज रहता है, ठीक है ना। लायन और टाइगर के लिए भी बड़ा बड़ा गुफा बना देते हैं वो लोग, बहुत बड़ा एरिया लेके। हिप्पोपोटामस को पानी में रखते हैं। जो बर्ड्स ठंडे रीजन के होते हैं, कोल्ड रीजन के जो बर्ड्स होते हैं, उनको जो एकदम शेडी प्लेस में रखते हैं, वहाँ पे जब एंटर करोगे तो देखना थोड़ा ठंडा ठंडा फीलिंग आएगा। तो इस तरह से ऐसे कंडीशन बनाते हैं, दोज आर सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा जितना हम लोगों का टैक्सोनॉमिकल एट था। अब एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहले, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, मैं फिर से एक बार बोल दूंगी। टैक्सोनॉमिक कीज, ये कंसेप्ट दिया था जॉन राय ने। नाउ टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेट ऑफ कैरेक्टर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंशियल मैनर, सिक्वेंशियल मैनर। टैक्सोनॉमिक कीज कंसेप्ट दिया था जॉन रे ने। ये किस लिए यूज होता है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कीज? टैक्स कीज आर सेट ऑफ कैरेक्टर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, और समझ में भी तो आना चाहिए ना, लिख देने से हो जाएगा क्या? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं। बर्ड ये एग्जाम्पल है, क्या लिखा है आपने? सेट ऑफ, बोलो। मैम सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आपने? सेट ऑफ, सेट ऑफ कैरेक्टर, देखो सेट ऑफ कैरेक्टर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सेट ऑफ कैरेक्टर अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। चलो इनको डिवाइड करो दो फीचर के साथ, इनमें एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट है, इनमें एक्सटर्नल एयर एब्सेंट है। बैट एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट, मैमल है। कैट मैमल है, एक्सटर्नल एयर एब्सेंट। फ्रॉग फिश बर्ड। अब इन दोनों में सेपरेट करो फिर से, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। हाँ निशा बोलो बोलो।
बोलो निशा। इन दोनों में किसका विंग्स प्रेजेंट है, किसका एब्सेंट है? ऑब्वियस हम लोग को पता है बैट है और ये कैट है। फ्रॉग फिश बर्ड सेम फैक्टर लेंगे, विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट, इनमें से विंग्स प्रेजेंट मतलब बर्ड हो जाएगा, विंग्स एब्सेंट मतलब फ्रॉग होगा और फिश होगा, है ना? इनमें से अब ये जो मैंने सेकंड कॉलम बनाया है, इनमें से किसमें गिल्स प्रेजेंट है और इनमें किसमें गिल्स एब्सेंट है? ठीक है ना, किन में गिल्स प्रेजेंट है और किन में गिल्स एब्सेंट है, फिर हम लोग का ये थर्ड पैरामीटर निकल जाएगा। अब इनमें से मैं रोमन वन दे दे रही हूँ ताकि कलर चेंज नहीं हुआ है। हाँ हुआ है, मुझे लगा मुझे भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया है ना क्या। गर्ल्स प्रेजेंट गर्ल्स एब्सेंट, वेरी क्लियर स्टूडेंट। फिश में गर्ल्स प्रेजेंट है, फ्रॉग में गर्ल्स एब्सेंट है। तो ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर हम लोगों ने यूज किया है एक सीक्वेंशियल मैनर में, दीज आर टैक्सोनॉमी कीज एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, गिल्स प्रेजेंट एब्सेंट, तो मुझे निशा तो मुझे टेक्स्ट करो ना, अगर आवाज नहीं आ रही है तो मुझे टेक्स्ट करो। ये जो मैंने लिखा गिल्स, अच्छा गिल्स एब्सेंट मैं लिख देती हूँ पहले फ्रॉग। अब एक चीज नोटिस करो, गिल्स प्रेजेंट एब्सेंट विंग प्रेजेंट, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट इसमें बहुत क्वेश्चन नीट में बनता है। तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। ईच स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट क्या लिखी मैं? पेयर ऑफ, कौन सी बात ना, हाँ बोलो। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड बोलेंगे। ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे कपलेट। बोलो। बोलो। इतना क्लियर है? क्या बोल रही हो? बोलो। मैम, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के नीचे क्या लिखा है आपने? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के नीचे मैंने लिखा ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। पिनिंग का मतलब होता है निशा पिन करना, जैसे ये एक इंसेक्ट है सपोज कॉकरोच मैंने ले लिया, अब इस कॉकरोच को तुम पिन करोगे, पिन मतलब यहाँ पे तुम एक पिन लगाओगी, यहाँ पे तुम एक पिन लगाओगी, एक पिन लगाओगी, एक पिन लगाओगी, और नीचे सपोज तुम्हारा एक वैक्स का बोर्ड है, तो ये कॉकरोच क्या हो गया, पूरा उसमें पिंड हो गया, अब ये कॉकरोच कहीं भागेगा नहीं, आया समझ में? इसका मतलब होता है पिंड, आया समझ में निशा? निशा क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सबको इतना? बोलो। यस यस मैम। ठीक है।
तुम लोगों को कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स बनाना बताना था कि हम लोग क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना? देखते हैं, चलो स्टार्ट करती हूँ। ये सब लगेगा तुम लोगों को आगे। क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइटर, ठीक है ना? फाइटर जैसे कि मान लो टेरिडो फाइटर, ब्रायो फाइटर, तो मैं एक ही एग्जांपल लिख रही हूँ सिर्फ, ब्रायो फाइटर, ठीक है? अब तुम्हारा फाइसी भी यूज करते हैं, और ये तो फाइटा एक मैंने बताया, और बहुत सारा है जैसे फाइसी। एग्जाम्पल ले लो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी बोलते हैं जिसको, फाइसी। माइसिटीज यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ड्यूटरोमाइसिटीज, फिर ऑप्सीडा यूज करते हैं, एग्जाम्पल ले लो ब्रायोप्सीडा, ए ई यूज करते हैं, डाइकोटी लिडोनी। तो ये सारा हम लोग क्लास के लिए सफिक्स यूज करते हैं। तो क्या क्या सफिक्स एक क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा जानना है तुम्हें। याद है मैंने तुम लोगों को पोयल से एक ऑर्डर बताया था? तो नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो है एल्स, ओएल्स, रोजेल्स, फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो है ए सी, ए सी, ब्रैसी, केसी, याद आया? काम करके एस्टे एसी का ही ले लेती हूँ, लिली एसी, फैवेसी, है ना? लिली एसी ले लेती हूँ जिससे लिली फैमिली बिलोंग करता है, लिली एसी, ओएसी, सोलानेसी, सोलानेसी जिससे पोटैटो बिलोंग करता है, एस्टेर एसी, ब्रासिक एसी जिससे कैबेज है। नेक्स्ट जीनस के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं अस, अम, इज, ऑन, ए, ये क्या है? तो क्या लिख रही है मैम? फाइनस। तो जेनस में तो बहुत सारे हो जाएंगे, उसका ही लिख रही है। अस अब मतलब पीजम, पीजम सैटिवम, इस अराबिस, कौन से है तुम्हारा एक नाम, सिम्पोपोगन, सिम्पोपोगन, और ए से है रोजा, ए से है रोजा। अब स्पीसीज में मैंने देखो एक दो तो तुम लोग को बताया ही था, बट कुछ और स्पीसीज है जो नीट के लिए लगेंगे, सीबीएसई बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल तुम लोग मुझे वही फिर ग्रुप में लिख के शेयर करोगे, इसी बहाना एटलीस्ट तुम लोग थोड़ा सा खोजोगे, मैं भी दे ही सकती हूँ लेकिन तुम लोग खुद से पढ़ लो। कंपाइलो स्पीसीज, है ना? अभी ये कंपाइलो स्पीसीज क्या होता है बच्चों? कंपाइलो
कंपाइलो स्पेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? चलो मैं बताती हूँ। कंपाइलो स्पीसीज दिखने में अलग अलग होंगे। मुझे एग्जांपल लिख के मुझे तुम लोग व्हाट्सएप करना। चलो मैं लिख रही हूँ। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली कॉम्पैटिबल होंगे। सिबलिंग स्पीशीज क्या बताया था मैंने? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखेंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली अलग होंगे। ये मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखेंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली कॉम्पैटिबल होंगे। कॉम्पैटिबल का मतलब वो एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्पैटिबल का मतलब ये एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सपोज दो स्पीसीज है, अब एक ही टाइम पीरियड पे बिलोंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनिक। हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ना। एक हो गया सेम टाइम पीरियड, सिंक्रोनिक, और सेकेंड है डिफरेंट टाइम पीरियड, एलोक्रोनिक। बच्चों जब तुम लोग एवोल्यूशन पढ़ोगे तब देखोगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट, मतलब रेप्टाइल्स का ओरिजिन एक एरा में हुआ था, देन तुम्हारा एम्फीबियंस का ओरिजिन, देन तुम्हारा डायनासोर का ओरिजिन के लिए एक एरा पार्टिकुलरली, तो इस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट एरा में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का एनिमल का ओरिजिन हुआ था। तो सेम टाइम पीरियड में जो बिलोंग करेंगे वो सिंक्रोनिक हो जाएगा, और जो डिफरेंट टाइम पीरियड में बिलोंग करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एलोक्रोनिक। नेक्स्ट है मॉर्फो स्पीसीज। मॉर्फो स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज विच आर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएगा मॉर्फो स्पीसीज। देन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है ना, क्या है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज? जो ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस में इसको सेपरेट किया गया वह टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। और एक कैटेगरी हम लोग देखेंगे नियोन टोलॉजिकल स्पीसीज। जितने लिविंग स्पीसीज है बच्चे, जितने लिविंग स्पीसीज है तो सब आ जाएंगे तुम्हारे नियोनटोलॉजिकल स्पीसीज के कैटेगरी में। क्लियर है? बोलो। यस मैम। बोलो कोई भी टॉपिक से अभी तक किसी कोई डाउट है? स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक से बोल दूं एक बार फिर से, डाउट है? हाँ मैम, हाँ बोलो बोलो। आप जो हेलो। सफिक्स लिखवाई है, हाँ 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 मैम जो सफिक्स लिखवाई है उनका हाँ मतलब क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, किस सफिक्स का यूज कहाँ होगा?
नहीं, तुम कुछ क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, शायद क्लियर हो जाएगा। देखो, यूज के लिए नहीं, हम लोग जो ये फाइसी लिख रहे हैं, माइसेटीज लिख रहे हैं ना, क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं, तो सपोज अगर क्लोरोफाइसी बायोलॉजी में तुमको कहीं भी वर्ड मिल रहा है क्लोरोफाइसी, तो तुम क्लोरोफाइसी देख के कैसे समझोगी कि ये एक क्लास है? जैसे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखे हैं ना, उस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्लोरोफाइसी एक क्लास है, तुम कैसे समझोगी वो देखकर? तुम समझोगी ये सीई ए फाइसी देखकर समझोगी नहीं, ये फाइसी है तो मतलब ये क्लास है, फाइटा है तो मतलब ये क्लास है, एल्स है तो मतलब ये ऑर्डर है, इस तरह से आ रहा है समझ में? ये बोलो क्लियर है? अब यहाँ से एक दो और चीजें तुम लोग को इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी मैं, ठीक है ना? चलो, इससे भी क्वेश्चन पूछे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको फोनेटिक्स बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट में, ये भी नीट का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोनेटिक्स। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये कुछ एक्स्ट्राज है एक्चुअली, हम लोग वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर, टैक्सोनॉमी कीज ही देखना, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, ठीक है ना? तो ये कुछ एक्स्ट्राज तुम लोग को बता रही हूँ, जो तुम लोग को लगेगा जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सारा थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको फिनेटिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? फिनेटिक्स, ठीक है ना? तो व्हाट इज फिनेटिक्स, इसका एक और नाम भी है, बोलोगे मैम कितना सारा नाम दे के रखे हैं, एडन, सोनियन टैक्सोनॉमी, एडन सोनियन टैक्सोनॉमी, ठीक है? इसको एडैन्सोनियन टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज हियर एज मेनी कैरेक्टर्स एज पॉसिबल आर एम्प्लॉयड। बिकॉज 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 हेयर एज मैनी कैरेक्टर एज एम्प्लॉयड आर एम्प्लॉयड फॉर एवेलुएटिंग डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है? तो एडैन्सोनियन टैक्सोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना चाहो तुम उतना, जितना चाहो तुम उतना कैरेक्टर एम्प्लॉय कर सकते हो यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज डीलिंग विद द नंबर, है ना? फिर मैंने तुम लोगों को आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था बच्चों, आई होप तुम लोगों को याद होगा। क्लासिफिकेशन का टाइप्स नहीं, मैंने टैक्सोनॉमी बताया तुम लोगों को, नेचुरल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का दो टाइप देख लेते हैं, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन मैम पेज बोलो थोड़ा, बोलो। मैम हाँ कर रही स्लाइड हूँ खुशी, थोड़ा, कर रही हूँ खुशी, कर रही हूँ। देखो और भी ऊपर खुशी, ठीक नो मैम हो गया। है नेक्स्ट देखो। तो क्लासिफिकेशन क्या हो, एक तो हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा हो गया नेचुरल सिस्टम।
आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पे हैबिट हैबिटेट और क्यों कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लोगे, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। बट नेचुरल सिस्टम में क्या लोगे, प्लांट का जो परमानेंट कैरेक्टर है। एक बात बताओ मुझे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या कभी परमानेंट कैरेक्टर होता है? जैसे तुम प्लांट का स्टेम कंसिडर कर रही हो, ठीक है ना, तो स्टेम तो अगर प्लांट आज शॉर्ट है तो कुछ दिन बाद तो वो प्लांट फिर लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा ना। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में मतलब क्या है कि वो फीचर ले ले जो टेम्पोरेरी फीचर है आर्टिफिशियल सिस्टम में, और नेचुरल सिस्टम में हम उसका परमानेंट कैरेक्टर लेंगे। जैसे कि उनका क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या केमिक बायोकेमिकल नेचर, एक बायोकेमिकल नेचर एक प्लांट का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो प्लांट का अगर एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे तो फिर वो जाएगा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, आर्टिफिशियल में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ नीचे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन इन विच हैबिट हैबिटेट एंड ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग। फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब नेचुरल सिस्टम में क्या है, दे आर अरेंज्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, अरेंज्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज थ्रू द यूज ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट परमानेंट कैरेक्टर, ऑल इम्पॉर्टेंट परमानेंट कैरेक्टर्स, पार्टिकुलरली क्या क्या ले सकते हैं वो मैं बता दे रही हूँ, जैसे स्ट्रक्चरल फीचर, साइटोलॉजिकल फीचर, उसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज साइटोलॉजिकल फीचर, रिप्रोडक्टिव फीचर, एंड बायोकेमिकल फीचर। बोलो, इतना क्लियर है? बोलो। क्लियर है इतना? यस मैम। और एक दो डेफिनेशन कुछ बता देती हूँ। मैम स्लाइड नीचे करिए ना। हाँ मैं कर रही हूँ। मैम डन मैम। बोलो मैम एक क्वेश्चन है बोलो। हाँ पूछो निशा, मैम, स्लाइड स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए तो एक क्वेश्चन बोलो मैम। थोड़ा सा और सोचिए। बोलो। मैम ये नियो या मॉर्फोलॉजी का मैम, ये उसके नीचे जो दो है वो दोनों क्या है? टाइप्स ऑफ स्पीसीज बता रही थी ना, देखो यहाँ पे काम करती हूँ, लिख देती हूँ तो शायद तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना, उसमें क्या क्या आया बताओ। पहले तो मैंने बताया बहुत सारा, वाइल्ड स्पीसीज, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया सिंक्रॉनिक, एलोक्रॉनिक, थर्ड मॉर्फो स्पीसीज, फोर्थ टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, फिफ्थ नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज। बिसाइड दिस आई हैव ऑल्सो टॉट यू ना दैट वन एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक
पैट्रिक है ना, एलो पैट्रिक, सिंपैट्रिक, पैरा पैट्रिक बताया था, और सबसे इम्पोर्टेंट और वाइडली कंसेप्ट स्पीसीज है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, है ना। क्लियर हुआ सारा टाइप्स ऑफ स्पीसीज, क्लियर हुआ, बोलो। तो मैम एक बार और बता दीजिए सबके बारे में। सबके बारे में फिर से मैम बस ये टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एक कंपाइलो स्पीसीज हो गया, देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड सिंक्रोनिक और एलोक्रोनिक, देन मॉर्फो स्पीसीज, फोर्थ टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, फिफ्थ नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज। ये पांच स्पीसीज है ना। और पहले जब मैंने यस स्पीसीज पढ़ाया था एकदम मेन क्लास में, एक सेकेंड सारे रुक जाओ, तो सब पीछे जाने दो मुझे। हेलो सर, यस क्लास मैम। क्लास में रह, क्लास में टिकल के हेलो। एक सेकेंड, टैक्सोनॉमी, हाँ यहाँ पे आ जाओ। देखिए स्पीशीज का कॉन्सेप्ट, ये स्पीशीज यहाँ पे सबसे जो वाइडली स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये एक हो यस गया। मैम। नेक्स्ट मैंने बताया था फिर देखो पॉलीटाइपिक, पॉलीटाइपिक मोनोटाइपिक हुआ। नेक्स्ट फिर यहाँ पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज है, ये ऑन द बेसिस ऑफ जेनस कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ फिर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बेरियर, ये एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिंपैट्रिक। फिर सिबलिंग स्पीसीज, बस ये बताया था। क्लियर हुआ सारा टाइप्स ऑफ स्पीसीज। ईशा, ईशा ने पूछा था ना, यस क्लियर हुआ मैम, सारा, यस मैम, सब क्लियर है। यस मैम। एक लास्ट है जो था नियोटोलॉजिकल, वो क्या होता है? न्यूट्रल, जितने भी लिविंग स्पीसीज है अभी तक का, जितने भी ऑल लिविंग स्पीसीज आर कैटेगराइज्ड एज नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज। समझ में, जितने भी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, देखो लिविंग स्पीसीज, ऑल लिविंग स्पीसीज आर नियोन्टोलॉजिकल स्पीसीज। यस मैम, समझ। ठीक है ना। और एक दो चीज बताना चाहूंगी तुम लोगों को, कैटेगरी का डेफिनेशन, कैटेगरी वर्ड मैंने बहुत बार यूज किया है, थोड़ा सा मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को पढ़ते वक्त दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। इट इज यूनिट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वन रैंक, ये वन रैंक का मतलब क्या है मैं तो बताती हूँ, यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। जैसे कि कैटेगरी, मतलब कैटेगरी का मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कैटेगरी का मतलब हो गया जैसे कि जेनस, ये एक कैटेगरी हो गया, फैमिली ये जानते हो तुम, मुझे पता है, बट मैं एक बार चाहती थी कि मैं एक बार डेफिनेशन बता दूँ तुम लोगों को। जेनस, फैमिली और ऑर्डर, ये सब अलग अलग तरह का से, ये सब कैटेगरी हो गया। मतलब कोई एक रैंक को अगर तुम ले रहे हो, फाइलम ले लो, ऑर्डर ले लो, स्पीसीज ले लो, ऑल आर कैटेगरी है ना, पर्टिकुलर कोई एक रैंक को अगर तुम यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, हायरार्की, ठीक है ना। हायरार्की का मतलब मैंने तुम लोगों को जो सिस्टमेटिक पोजीशन दिखाया था दैट इज कॉल्ड हायरार्की, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, है ना। हायरार्की मींस अरेंजिंग रैंक्स, और ये सारे रैंक को तुम किस तरह से अरेंज कर रहे हो, अरेंजिंग रैंक्स और कैटेगरीज। वन अबव द अदर, वन अबव द अदर इन पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, इसको एक्चुअली सिस्टमेटिक पोजीशन भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक अलग, सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने सिस्टमेटिक पोजीशन,
अरेंज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड हायरार्की, पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं ना हम लोग, है कि नहीं? क्लियर है? कि कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछते रहो, है ना? हम लोग एनसीईआरटी, आउटसाइड एनसीईआरटी, नीट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वी हैव कवर्ड ऑल विद दैट। कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो तुम लोग को आगे जाके लगेगा, इट विल हेल्प यू इन सीबीएसई और इन नीट बोथ ऑफ। बोलो, क्लियर है इतना? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ये सब वही सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जस्ट एक नोट डाउन करके रहेगा, कॉपी में रहने से इजी होगा तुम लोग, इसीलिए लिख दे रहे हैं। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब क्या होता है? टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स, इट रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ट्रेट्स ऑफ ए स्पीसीज, है ना? इट रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल, मतलब सारे स्पीसीज को तुम नहीं स्टडी करोगे, सिर्फ एक या कुछ इंडिविजुअल को स्टडी करोगे, ताकि मतलब तीन चार मंकी को अगर तुम सपोज अच्छे से स्टडी कर लिए, तो ऑलमोस्ट उस मंकी ग्रुप स्पीसीज का तुमको आइडिया मिल जाएगा कि नहीं, ये बात मुझे बताओ। दैट इज टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना तुम लोग, ठीक है ना? गिव एग्जाम्पल ऑफ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज का एग्जाम्पल देना, हैविंग सेम जेनेरा, उसका जेनेरा सेम है, बता सकते हो? हैविंग सेम जेनेरा, बोलो। एनी वन ऑफ यू विल टेल मी? दो स्पीसीज है लेकिन जेनस सेम है दोनों का, एक तो मैंने क्लास में भी मैम, करवाया था। पैंथर टिग्रिस। हाँ, ये करेक्ट हो गया, और एक एक तो पैंथेरा वाला करेक्ट हो गया, और एक दो पूछा है ना मैंने, एक प्लांट से बताओ तो मुझे। हाँ, एक प्लांट से बताओ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है? सोलेनम ट्यूबर रोसम, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, सोलेनम मेलोंजेना, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, ठीक है? पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रीस गलत हो जाएगा, ठीक है ना? पैंथेरा पार्डस होता है एक्चुअली, मैम वो तो लायन का होता है ना। लेपर्ड का होता है, पैंथेरा लियो, लिख दे रही हूँ मैं, रुक जाओ, पैंथेरा लियो, ठीक है ना? ये तो लायन का है, पता है हम लोग, पैंथेरा पार्डस, ये वाला लेपर्ड का हो जाएगा। मैम पैंथेरा टिग्रिस। मैम टाइगर के लिए स्पीसीज के लिए पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें टाइगर का।
पैंथेरा टिग्रिस भी दो सकते हैं, तो सेम ही होगा, भी तो टाइगर का ही है। पैंथेरा टिग्रिस ये तीन लिखे एक्चुअली, कोई नहीं लिखे सही होगा। ये तीनों एक्चुअली मैंने करवाया था तुमको, टाइगर क्लास में। एक प्लांट से बता दिया और एक एनिमल से बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड देखा, काफी डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर मतलब जनरली जितना कंटेंट है, मतलब इनफ फॉर, मोर देन इनफ फॉर नीट, ठीक है ना, मोर देन इनफ। बस तुम लोग को जो करना है वो सिर्फ अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना है फिर कंटेंट पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज क्लास स्टूडेंट। तो इन टुडेज क्लास आई हैव डिस्कस बॉटनिकल गार्डन, देयर यूजेस, म्यूजियम एग्जाम्पल, द सिग्निफिकेंस, जूलॉजिकल पार्क, देन ऑल्सो रिमेंबर दिस वन स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस नेम ऑफ क्रूगर बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट जूलॉजिकल गार्डन द वर्ल्ड। टैक्सोनॉमी कीज, द कंसेप्ट वॉज गिवेन बाई जॉन रे, ओके। एंड हेयर यू मस्ट लर्न दिस टू डेफिनेशन स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज कपलेट वॉट इज लेट। दैट इज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेट। देन वॉट आर द सफिक्स यूज फॉर ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज, कंपाइलो स्पीसीज, मॉर्फो स्पीसीज। देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडांसोनियन टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी, हायरार्की, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सम जेनेरा जनरली सेम स्पीसीज, सेम जेनेरा। मैम, बोलो इसमें जो कंटेस्टिंग कैरेक्टर लिखी है इसमें वही वाला होता है जो हम लोग 10th से पढ़े थे, इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे वो तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस में लिए थे ना, ये वो कॉन्ट्रास्टिंग अच्छा, तो कैरेक्टर है। इसमें कौन सा रहेंगे? यहाँ पे जैसे कि किस तरह का फीचर तुम लोगी, विंग्स प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा इस तरह का, लेकिन हम लोग हेरिडिटी में क्या उस तरह का पढ़े थे नहीं ना, वहाँ पे जी राउंड है मैम, कि रिंकल्ड है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, इस तरह का था ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वहाँ पे, यस मैम, यस मैम, याद आया? यस मैम, याद है। ओके स्टूडेंट, चलो फाइन, विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।